जो सीरियस पेशेंट होते हैं उनको इस एरिया में आज पहली बार पुलिस स्टेशन का, लेकिन हम थक गए हमने माफियाओं के खिलाफ जो आवाज उठाई है, इस आवाज के साथ हम पुलिस के साथ हैं, हर समय साथ हैं। बड़ी बात है कि आपकी टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। यहाँ का नौजवान क्राइम से दूर है बिकॉज ऑफ जम्मू कश्मीर पुलिस। एक्शन जो है पुलिस और यूथ का रहता है और वो कितना अहम है वो सर मुझसे जैसे मेनली वहाँ के नौजवान लोग बेकार दिन में दुकानों पे पड़े रहते हैं। साथ तभी कामयाब हो सकती है जब पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आपका साथ उनको मिले, और ऐसे भी लोग जो सिफारिश करने के लिए आते हैं उनकी पहचान करें। सबसे आखिर में जो नौजवान बच्चा बोल रहा था, बड़ा अच्छा लगा कि हमारे माशरे में ऐसे लोग भी हैं जो अच्छा काम करने के लिए खुद आगे निकल के आते हैं। मिलिटेंट्स की तादाद चाहे वो लोकल हों या फिर पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्द जहां पर मिलिटेंसी को फैलाने के लिए जिंदा रखने के लिए वो हों, उनकी तादाद इस टाइम पिछले बहुत सालों से ऑल टाइम लो है। जो नए लड़के मिलिटेंसी की तरफ खींच के ले जाए जाते थे, जिनको दहशतगर्दी में मुलव्वस किया जाता था, उन बच्चों ने दहशतगर्दी का रास्ता तर्क कर दिया है। वो समझने लगे हैं कि दहशतगर्दी का रास्ता बर्बादी का रास्ता है। आज बहुत सारे एवेन्यूज बच्चों के लिए खेल कूद के अपने कैरियर को बनाने के, पढ़ने लिखने के मौजूद हैं। बहुत सारे बच्चे सही रास्ते को चुन करके अपने कैरियर को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत हद तक जो दहशतगर्दी है उसके ऊपर काबू पाया है, और जो बची हुई दहशतगर्दी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। ड्रॉपिंग के लिए बहुत सारे काउंटर मेजर्स हम लोगों ने ग्राउंड के ऊपर लगाए हैं। उसमें बहुत सारी ड्रोन ड्रॉपिंग, जो अलग अलग तरह के नशे के जो सामान हैं उसको पार से पाकिस्तान से ला कर के यहाँ पर पहुँचाती हैं, जिसके साथ AK-47 राइफल, पिस्टल, ग्रनेड, IDs भी वहाँ से पाकिस्तान से भेजी जा रही हैं। उनको कामयाबी से इंटरसेप्ट किया जाता है। अभी तक सैकड़ों की तादाद में इस तरह के वेपन पकड़े गए हैं और क्विंटलों की तादाद में इस तरह की नशे की तस्करी जो पाकिस्तान से होके आई, चाहे वो ड्रोन से आई या ग्राउंड के जमीन के रूट से आई, उसको पकड़ा गया है। इस पे बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस को और सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। ड्रोन की कार्रवाई पहले से कम हुई है मगर अभी भी जारी है। हमारी कोशिश है कि ड्रोन से जरिए से चाहे वेपन की स्मगलिंग हो, चाहे नारकोटिक्स की स्मगलिंग हो, उसको पूरी तरह रोकथाम की जाए, उसको रोका जाए। उसके लिए कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं। पूरी जम्मू कश्मीर के खित्ते में हर रेंज में खास मुहिम नशों के खिलाफ इस वक्त पुलिस ने छेड़ रखी है। उसी मुहिम का नतीजा है कि हर जिला, हर सब डिवीजन, हर थाना, हर रेंज, हर जोन इस काम में लगी हुई है कि हम नशे की तस्करी, नारकोटिक्स के ट्रेड में, स्मगलिंग में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। बहुत सारी कामयाबी हमें बॉर्डर पर मिली है, जहाँ से नशा पार से आके बॉर्डर के करीब डंप होता है, उसी नशे को आगे तस्करों के जरिए से कश्मीर के, जम्मू के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया जाता है। बहुत सारे नशे को आगे पंजाब और उसके आगे पहुंचाया जाता है। हमने बहुत बड़े कार्टल्स ऐसे जो हैं उनको ध्वस्त किया है, ख़त्म किया है। रजौरी पुंछ के एरिया में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जम्मू के बॉर्डर पर कामयाबी मिली है, कुपवाड़ा बारामूला के बॉर्डर पर कामयाबी मिली है, हिंटरलैंड में जहाँ पर तस्करी नशे की बॉर्डर से होकर के आगे पहुंचती है वहां पर भी कार्रवाई बराबर जारी है, और जहां पर भी जो लोग इस ट्रेड में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हमारे ड्रग डिटेक्शन सेंटर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से और सरकार के हॉस्पिटल की जरिया से अलग अलग जगहों पर चल रहे हैं। आज आपने देखा लोगों की डिमांड थी कि बांडीपुर के साथ साथ हाजुन में भी इस तरह का सेंटर कोई होना चाहिए। हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर लोग जैसा चाहते हैं तो उनकी हम मदद करें जहाँ पर,
ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद से अलग अलग जगहों पे हम लोग लागू कर पा रहे हैं। इस स्कीम के स्कोप को और आगे बढ़ाया जाए, मगर इसमें टेक्निकल स्टाफ की जरूरत पड़ती है, दवाइयों की जरूरत पड़ती है, रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। हम कोशिश करेंगे कि हम ड्रग एडिक्शन का जो मदद लोगों की करते हैं, इसके स्कोप को और ज़्यादा बढ़ाएं। देखिए, जहाँ पर हर चीज़ को बैलेंस करके चलना पड़ता है, जहाँ आपको पता है कि अब श्रीनगर में खासतौर पे लैंड ऑर्डर की किसी भी तरह की कोई समस्या जनरली नहीं सामने आती है, और बाकी जिलों में लैंड ऑर्डर की कार्रवाइयाँ किसी भी तरह की अभी तक नोटिस में नहीं आई हैं। पूरा साल पिछला बहुत अच्छे से गुजरा है, ये साल भी अभी तक मुकम्मल तौर पे अमन अमान से अच्छे तरीके से निकल रहा है। मैं लोगों को, अवाम को शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तान की साजिशों को और पाकिस्तान नवाज फोर्सेस को, एजेंसीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को पहचान चुके हैं, जो जहाँ पर अलग अलग तरह का इश्तियाल दे करके लोगों को पत्थर मारने के लिए उकसाते थे, अपने जाति और अलग अलग तरह के मुफाद के लिए लोगों को अपना फॉर्डर बना के इस्तेमाल करते थे। लोग इस बात को समझने लगे हैं। अभी ये वक्फ के हवाले से इतला है, मगर इंतजामिया के हवाले से क्या फैसला है वो डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन अपने लेवल पर अभी उस इशू को देख रही होगी। मैं अभी नहीं कह सकता हूँ कि उन्होंने क्या फैसला अभी किया है, क्योंकि उनकी सतह पर जो